साथियों, आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट के द्वारा आए हुए नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का डेट जो है अनाउंस कर दिया गया है। तो एग्ज़ाम जो है वह जुलाई में होने वाला है। यह नोटिफिकेशन जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जुलाई में और अगस्त में कब से कब एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं, डेट वाइज अभी एग्जामिनेशन का शेड्यूल नहीं दिया गया है। डेट वाइज कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज, यानी कि किस सब्जेक्ट का कब एग्ज़ाम होगा ऐसा भी क्लियर नहीं है। लेकिन 25 जून के आए हुए नोटिफिकेशन में यूजीसी नेट ने बताया है कि दिसंबर 2021 और जून 2022 इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। दोनों का जो मर्ज्ड साइकिल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वह बेसिकली जुलाई और अगस्त में होगा। तो जुलाई में यदि बात करें तो 8 जुलाई, 9 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, यानी कि जुलाई में 4 दिन और उसके बाद अगस्त में 3 दिन, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त, इतने दिन यानी कि 7 दिन एग्जामिनेशंस होंगे। तो यह नोटिफिकेशन 25 तारीख को आया है। तो यह चूंकि अनइथिकल है, किसी भी एग्ज़ाम से पहले हमें 15 दिन पहले एटलीस्ट यह बताया जाता है कि एडमिट कार्ड दिया जाता है, देन आपको 1 महीना पहले ही हमें बता दिया जाता है कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन एनटीए ने इस बार अचानक से नोटिफिकेशन अपलोड किया है और डेट चूंकि बहुत कम है, आज 27 तारीख हो गया है, तो मुश्किल से आपके पास 15 से 18 दिन बचे, 15 से 18 दिन कह रहा हूँ, 8 और 3 11 दिन, 11 से 12 दिन आपके पास मात्र बचे हैं एग्जामिनेशंस के लिए। तो यह अचानक से नोटिफिकेशन देना अनइथिकल तो है। उसके साथ साथ दूसरा जो चीज़ है वह यह समझने योग्य है कि 8 जुलाई को जो एग्जामिनेशन हो रहा है और फिर जुलाई में 12 तक खत्म हो जाएगा, देन फिर 12, 13 एंड 14 अगस्त को एग्जामिनेशन, यानी 12 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में आखिर क्या है कि इस बीच में एग्जामिनेशन नहीं लिया जा रहा है। और यदि बात अगस्त में ही एग्जाम लेने की थी तो सभी को एक साथ अगस्त में कर दिया जाता, बिकॉज देखिए जिस सब्जेक्ट का एग्जाम 12 जुलाई को होगा और मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का एग्जाम 12 अगस्त को हो रहा है, तो दूसरे सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को मिनिमम 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। 1 महीना किसी भी एग्ज़ाम को एक्स्ट्रा मिलना यह बिल्कुल एक अलग ही चीज़ है। 1 महीने में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ तैयारी की जा सकती है, इतना गैप नहीं होना चाहिए दो एग्जामिनेशंस के बीच में। तो आप इसके लिए यूजीसी को मेल लिखिए, यूजीसी को टैग करके लिखिए उनके चेयरमैन को, ताकि यह बात को नोटिस किया जा सके और डेट को बैलेंस किया जा सके, क्योंकि इतना गैप होना सही नहीं है। एग्ज़ाम को आप अगस्त में या तो लेते जाइए या एग्ज़ाम को पूरा एक साथ कराइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और ट्विटर पे टैग करके आप जरूर कीजिएगा, लिखिएगा और यूजीसी को मेल जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।